Assalamualaikum, welcome back to programming series video 4. आज की वीडियो में हम लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल बनाना सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम चलते हैं अपने डेव में. इस टाइम हम आ चुके हैं अपने डेव में. यहाँ पर सबसे पहले मैं इंक्लूड कर लूंगा अपनी हेडर फाइल, ग्राफिक्स. यहाँ पर मैंने ग्राफिक्स डॉट एच और इंट मेन लिख लिया है. यहाँ पर सबसे पहले मैं टू वेरिएबल्स बना लूंगा, जीडी एंड जीएम. यहाँ पर टू वेरिएबल्स बना लिए हैं, जीडी एंड जीएम. जीडी को मैंने इक्वल टू रख दिया है डिटेक्ट, और ये बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई है कि हम इसको डिटेक्ट के इक्वल क्यों रखते हैं. एक और फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, इनिट ग्राफ. ये भी इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने बात की कि ये हम क्यों यहाँ पे कॉल करते हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें ताकि आपको इसके सिंटैक्स की समझ आ सके. यहाँ पर अब हम लिखेंगे आज अपना पहला प्रोग्राम लाइन. हम लाइन बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है लाइन का. इसमें हमको चार आर्गुमेंट्स पास करने हैं, x1, y1 जो फर्स्ट पॉइंट को डिनोट करेंगे, x2 और y2 जो दूसरे पॉइंट को डिनोट करेंगे. किस पॉइंट से लाइन स्टार्ट होकर किस पॉइंट पे जाएगी, इन दोनों को डिनोट करने के लिए हम चार वैल्यूज इंटर करेंगे, जो पहली दो वैल्यूज पहले पॉइंट को डिनोट और दूसरी दो वैल्यूज दूसरे पॉइंट को डिनोट करेगी. फर्स्ट हम देंगे x1 10, y1 भी 10. अब हम देंगे x2 की कहां तक ये जाए, इसकी लेंथ. तो यहां पे मैं 10 से स्टार्ट करके इसको 200 और हमारा जो y2 है, अगर ये लाइन स्ट्रेट बनानी है आपने एट दी पोजीशन 10 पे, तो आपको y2 भी 10 रखना होगा. अगर आप नीचे को लेके आना चाहते हैं तो आप y2 को 20 कर दिए, नीचे हो जाएगा. जितना आप नीचे करना चाहते हैं आप उतना नीचे कर सकते हैं उतनी वैल्यू को बढ़ाकर. अगर आप ऊपर को लाइन को ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 में से माइनस करके 0 लिख दें तो ये थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी. तो यहां पर मैं 10 लिखकर ये लाइन स्ट्रेट बनाऊंगा. तो एक लाइन है जो फर्स्ट पॉइंट उसका है 10 10, जहां पर एक्स भी 10 हो वाई भी 10 हो, वहां से स्टार्ट हो वहां तक जाए जहां पर एक्स 200 हो जाए और वाई 10 ही रहे. तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पर हमारी विंडो शो नहीं हुई क्योंकि हमने लास्ट पे गेट सी एच फंक्शन नहीं लिखा, जो हमारी स्क्रीन को होल्ड करता है जब तक कि हम कोई करेक्टर इंटर ना कर दें. ये मिस्टेक हुई थी अगेन. तो यहाँ पर हमारे पास ये एक लाइन ड्रा हो चुकी है जो फर्स्ट पॉइंट 10 10 से स्टार्ट होकर 200 और 10 पॉइंट पे जा रही है. तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं. इन 4 वैल्यूज को यूज करते हुए हम किसी भी तरह की लाइन ड्रा कर सकते हैं. लाइक एज हम अभी एक थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा y2 था वो मैंने कर दिया 100, पहले 10 था अभी हो गया 100. इसको अगेन करें रन. तो ये आप देखें कि अब ये कहां से ऐसे तिरछी हो गई लाइन. तो अभी इसकी लेंथ ही भी अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हम x2 को बढ़ा देंगे, जो हमारा 200 है हम इसको 300 कर देंगे. तो ये हमारी लाइन की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी और ये हमारी लाइन तिरछी हो जाएगी. तो इस तरह हम किसी भी तरह की लाइन ड्रा कर सकते हैं लाइन फंक्शन को यूज करते हुए. इसके बाद आज हमारा दूसरा फंक्शन है सर्कल. How to create circle? तो सर्कल के लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है सर्कल का. सर्कल के फंक्शन में जो 3 आर्गुमेंट्स हमको पास करने हैं, फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स सेंट्रल पॉइंट को डिनोट करेंगे. x फर्स्ट वाला होगा, x सेकंड होगा, y. तो वो दोनों जिस पॉइंट पे होंगे वो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल.
और थर्ड आर्गुमेंट होगा सर्कल का रेडियस, कि आप कितना बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पर 100 रखूं और दूसरा भी मैं 100 ही रख लेता हूं, जहां पे x और y 100 100 हो, वहां पे मेरा एक सर्कल ड्रा हो जाए जिसका रेडियस हो 20। लेट्स स्टार्ट, इसको एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे मेरा x और y 100 है, वहां पर मेरा सर्कल ड्रा हो चुका है जिसका रेडियस हमने जो रखा था वो 20, वो उसने ड्रा कर दिया। चले हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, हम इसको रेडियस को बढ़ा देते हैं, हम रेडियस इसका रेडियस भी हम 100 कर देते हैं। तो अब ये देखते हैं, तो अब ये काफी बड़ा सर्कल हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो ये देखें, अब ये ऊपर वाली लाइन के साथ भी अटैच कर रहा है और उस साइड वाली लाइन के साथ भी अटैच कर रहा है, मतलब कि हमने 100 पॉइंट पर अगर ये सर्कल बनाया था तो ये इसका जो अंदर वाला है रेडियस था वो 100 दूर चला गया, मतलब कि ये दोनों लाइनों के साथ जाके अटैच होगी इसकी बाउंड्री वॉल। तो ये सर्कल अगर हम इसको 100 से भी अबव बना सकते हैं, चाहे हमें ये शो हो या ना हो, ये लाइन से बाहर चला जाएगा, बाउंड्री से बाहर चला जाएगा, लेकिन ये बनेगा। वो भी मैं आपको बना के दिखा दूं ताकि आपके सर्कल के वगैरह के तमाम के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। कॉन्सेप्ट का कोई मसला नहीं होना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करें और इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी। ये चीजें जो सिंटैक्स वगैरह है, ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझे, ज्यादा बेसिक फोकस आप कॉन्सेप्ट पे करें। तो हमारा 100 100 जो सेंटर पॉइंट बना था इसका, वहां पर उसने एक बड़ा सारा सर्कल क्रिएट कर दिया जिसका रेडियस था 150, तो वो बाउंड्री से बाहर चला गया। तो इस तरह से हम सर्कल किसी भी पोजीशन पे किसी भी साइज का सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सेकंड कमांड, सेकंड फंक्शन था ये हमारा। अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड फंक्शन जो है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके लिए हमें लिखना पड़ता है रेक्टेंगल। थोड़ा सा यहाँ हम पास करेंगे 4 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट आर्गुमेंट जो हमारा होगा वो लेफ्ट साइड को डिनोट करेगा कि आप कहाँ से, लेफ्ट साइड से कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं रेक्टेंगल। जो दूसरा होगा वो हमारे टॉप को डिनोट करेगा। जो हमारा थर्ड होगा वो हमारे राइट को या हमारी लेंथ को डिनोट करेगा। और जो फोर्थ होगा वो हमारा नीचे बॉटम को डिनोट करेगा। मतलब आप इसको सिंपल इसी तरह समझ सकते हैं कि फर्स्ट x1, सेकेंड y1, थर्ड x2 और फोर्थ y2 है। तो यहां पर मैं x1 हॉरिजॉन्टल कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर 10 लिख दूंगा, y भी 10 लिख दूंगा कि बिल्कुल ये मैं कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं 0 0 लिख दूं तो ये कॉर्नर से स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा साइड पे रखूंगा। तो 10 10 से मैं स्टार्ट करूंगा और इसको मैं जो है 200 300 लिखूंगा मैं x2, और y जो मेरा होगा 2, वो मैं इसकी विथ इतनी भी रख सकता हूँ, मैं 100 रख लूंगा या मैं रख लूंगा 200। तो यहाँ पर मैंने एक अपनी तरफ से पॉइंट्स बना दिए हैं कि एक रेक्टेंगल बना दो इन पॉइंट्स पे, तो इन रेक्टेंगल इन पॉइंट्स पे बन जाएगी। तो ये हमारी एक रेक्टेंगल बन गई। तो ये जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है ये जस्ट रेक्टेंगल के लिए काम नहीं करता, इसके जरिए हम स्फीयर भी बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी की कुछ भी चीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने x2 और y2 को बराबर रख दिया, x1 और y1 को बराबर रख दिया, तो यहाँ पर मेरा स्फीयर बन जाएगा। तो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सर्कल, हमारा स्क्वायर ड्रा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने सर्कल, लाइन और रेक्टेंगल को बनाना देखा, इनके बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए, इनके डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने अपने वैल्यूज दी, जहां पर उसने हमें इन चीजों को बनाकर दिखा दिया। तो इन्हें अगर आपका आज कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कॉमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पहले उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, आपको आंसर कर दूंगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं प्रोग्रामिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।